आपने इंटरनेट पे इस टाइप की ब्लॉग्स तो देखा ही होगा या फिर पढ़ा भी होगा, तो आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि ये ब्लॉग्स या फिर ये पोस्ट लिखे कैसे जाते हैं, यहाँ पे हमको लिखने के लिए क्या क्या आइडिया चाहिए। तो चलिए आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। यदि आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं या फिर आप एक बिगिनर ब्लॉग स्पॉट या फिर आप ब्लॉगर हैं तो किस तरह से कंटेंट लिखे जाते हैं, चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि URL किस तरह से लेते हैं, आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट किस तरह से लिखते हैं, उसमें की जो फॉन्ट स्टाइल होती है या फिर आप हाइलाइटर उसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे इमेज को उसमें पोस्ट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्रोम को ओपन करते हैं, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं ब्लॉगर, यहाँ blogger.com यहाँ पे ओपन हुई है, इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आना है, सिंपली आपको साइन इन कर लेना है। यहाँ पर आना है, आपको न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने टाइटल सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट किया हूँ vexy.in, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे URL पूछ रहा है मेरे से, चलिए मैं यहाँ पे URL डाल देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप डॉट यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि पीरियड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये अवेलेबल है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि सेव करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारी ब्लॉग रेडी है। यहाँ पर आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं पोस्ट। पोस्ट को यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ पे और स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ एंड यहाँ पे टाइमिंग में से चेंज कर देता हूँ, टाइम जोन यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस 5:30 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे थीम है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। चाहे तो आप अपने पेज की थीम चेंज कर सकते हैं, चलिए मैं इस थीम को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब चाहे तो आप अपने जो पेज आपने ये थीम अप्लाइड किया है इसे आप चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चलिए मैं इसे कस्टमाइज भी कर लेता हूँ। जैसे आपको अपने बैकग्राउंड चेंज करनी है तो रिमूव इमेज करना है या फिर अपना चेंज इमेज कर सकते हैं। यदि आप चेंज इमेज करते हैं तो आपकी कुछ इसमें से आप चाहे तो चूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपलोड इमेज इस पर क्लिक करके अपने जो भी अपने आपके कंप्यूटर से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसे स्किप करता हूँ, यहाँ पे डन पे अपन क्लिक कैंसिल करते हैं अपन, और यहाँ पे चाहे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं इमेज को। देखिए यहाँ पे मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से रिमूव हो गई है। आप चाहे तो मेन कलर इसकी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये जो कलर है ये चेंज होते जा रही है, ठीक है। यदि मैं इसे दूसरा चेंज करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं आप शायद चेंज हो जा रही है। चलिए हम एडवांस में थोड़ी सी आते हैं और चाहे तो यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शंस आ जाते हैं अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए। चलिए मैं बैक आता हूँ, इसे बैक आता हूँ, आप वहाँ पे यहाँ पे इसे अप्लाई कर दिया है हमने। चलिए अब आते हैं यहाँ पर न्यू पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि अब मुझे नया पोस्ट कुछ क्रिएट करना है, लाइक मैं XYZ यहाँ पर कर देता हूँ। अपने टाइटल मैंने यहाँ पर पहले सबसे पहले अपने चूज करने होते हैं, XYZ मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे आपको कंटेंट अपनी फिल कर देते हैं, लाइक मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक। यहाँ पे आप चाहे तो URL ये इससे चाहे तो आप बोल्ड कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक, और आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे चलिए एक बार और थोड़ी सी मैं इसे और टाइप कुछ करके उसके बाद बोल्ड में करता हूँ। इतना को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक आप देख पा रहे होंगे बोल्ड हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे किस तरह से इसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है या फिर डिक्रीज़ करनी है। तो सिंपली ऐसे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आना है आपको, आप स्मॉल, मीडियम, नॉर्मल, लार्ज, यहाँ पे लार्ज मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे साइज़ इसकी बड़ी हो गई। चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसकी कलर आपको चेंज करनी हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट मैंने किया और ये वाली जो आइकन है टेक्स्ट कलर, इस पर क्लिक करते हैं अपन, ये वाली कलर सेलेक्ट करते हैं तो ये वाली कलर जो है चेंज हो गई। चलिए मैं दूसरी यहाँ पे कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो सिंपली इसे ऐसे सेलेक्ट करके और कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी से बोल्ड को हटा करके इटैलिक रखना चाहता हूँ मैं, तो मैं इसे ऐसे टाइप करूँगा
इसे इटैलिक पर सिलेक्ट करके उसके बाद से ऑटोमेटिक हो जाएगी। चाहे तो आप इसे इटैलिक को हटा भी सकते हैं, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इटैलिक हट जाएगी। ठीक है, चलिए मैं दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। चलिए मैं और कुछ यहाँ पर टाइप करता हूँ और यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। अंडरलाइन करने के लिए क्या होती है, यहाँ पे नीचे यदि इसको आप यूज़ करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक, मैं चलिए यहाँ पे इटैलिक को हटा देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इटैलिक को हटा देता हूँ और अंडरलाइन रहने देता हूँ। तो काफ़ी अच्छी अच्छी इफेक्ट यहाँ पे देखने को हमारी मिल जा रही है। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके साथ मुझे कोई URL डालनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अपने URL कोई लिंक देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर इंसर्ट लिंक इस पर क्लिक करें और यहाँ पर टेक्स्ट इमेज को यही रहने दें। ठीक, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे http://nvdwnsync.in मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप नया टैब में इसे ओपन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे कलर जो है ब्लू हो गई, यानी कि आप रेफरल लिंक यहाँ पे है इस पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे लिंक पे चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ है, टेक्स्ट बैकग्राउंड यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक चलिए मैं यहाँ पे इसे चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं अपन, इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद से कुछ टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट की बैकग्राउंड जो है चेंज हो जा रही है। चलिए मैं इसे अब यहाँ पर दूसरी मैं टेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ और उसकी मैं टेक्स्ट बैकग्राउंड जो है चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक, तो आप इस तरह से चाहे तो टेक्स्ट बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एस टैग थ्रू का यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने कुछ टाइप किया और उसे काट देना है, टाइप करके जैसे मैं काट रहा हूँ, यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कट रही है ऑटोमेटिक। मैं इसे पहले हटा देता हूँ। चलिए मैं एक बार इंटर करके यहाँ पर दूसरी टेक्स्ट लिखता हूँ। यदि आप मैं टैक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप शायद दिख पा रहे होंगे बीच में से कटती जा रही है। यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके और अंडरलाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको शायद अच्छे से दिखाई दे रही है कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसमें बीच में एक क्रॉस लाइन आ गई है। तो ये होती है स्ट्राइक थ्रू। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट आता हूँ। यदि आपने कुछ गलत कर दिया है तो यहाँ पर सिंपली ये वाली अंडो पर क्लिक करें। ठीक, और आपने रीडो करना है, यानी कि जो पहले आपने कुछ अंडो कर रखा है तो इसको रीडो करना है, यानी कि उसके बाद ले जाना है, तो आप रीडो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है लाइक कंपोज व्यू, HTML व्यू, तो आप सिंपली आप हमेशा कंपोज व्यू पर रखें। ठीक, आप HTML व्यू में रखेंगे तो आपसे टाइप नहीं हो पाएगी। चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कोई आपको इमोजी वगैरह यहाँ पे डालनी है लाइक, चलिए मैं यहाँ पे स्टैक थ्रू यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर इमोजी कुछ डालनी है तो आप सिंपली इस इमोजी को यूज़ करके यहाँ पर कोई सा भी इमोजी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लें अपने ब्लॉग में। आपको यदि कोई वीडियो या फिर आपको इमेज इंसर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आप लोग अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर इसको सिलेक्ट करना है। अब चाहे तो आप URL भी कोई डाल सकते हैं, चाहे तो आप ब्लॉगर भी आप यूज़ ब्लॉगर की कोई इमेज है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी फ़ोटो आपके फ़ोन में है और यहाँ पर आपके ड्राइव में अपलोड हो रखा है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर चूज फाइल यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको आना है, अपने सेलेक्ट कर लेना है फाइल को। लाइक मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये अपलोड हो जाएगी इमेज। ठीक, यहाँ पे सेलेक्ट करना है देन। यदि आप नीचे देख पा रहे होंगे तो हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है। आप चाहे तो ड्रैग करके इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसे आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं तो ये ड्रैग होकर बड़ा हो जाएगा। ठीक, ओके, ये जो है फाइल यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे ड्रैग करके इसे मैंने बड़ा कर दिया। चलिए और इसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो अलाइनमेंट राइट है या फिर इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं लाइक इस तरह से। ठीक, अपने पेज पे इस साइड जो इस साइड है आपको दिखाई देगी और ये अलाइनमेंट जो है इस साइड यदि कर देते हैं तो इस साइड पेज के इस साइड छोड़ जाएगी। और चलिए मैं इसे छोटा करके उसके बाद से दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर मैं और छोटा इसे करता हूँ। यदि इस पेज या ये मैंने इमेज ले रखा है इसको इस साइड दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे जाना है, अलाइनमेंट इस साइड कर देनी है, यहाँ पे आ जाएगी। और इसको इस साइड आपको दिखाना है तो यहाँ पे सिंपली इसको इस पर क्लिक करेंगे और इस साइड कर देंगे तो ये अलाइनमेंट। इसको आप मिडिल में आपको दिखाना है तो मिडिल वाले में क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप चाहे तो मिडिल में भी दिखा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। यदि आपको यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में कुछ
इंटर करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, टेबल फॉर्मेट में, टेबल यानी कि आप कैसे यहाँ पे बना पाएंगे। तो सिंपली आपको ये इस मोर पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे बुलेट लिस्ट में आ रहा है एक ऑप्शन, एक नंबर लिस्ट आ रहा है। तो चलिए मैं बुलेट लिस्ट भी समझाता हूँ और नंबर लिस्ट भी समझाता हूँ। जैसे बुलेट लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपन, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं लाइक इस तरह से। चलिए यहाँ पे बुलेट लिस्ट ऑन हो गई है। चलिए यहाँ पे कुछ भी अपन करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बुलेट बनते जा रही है। कहाँ पे बन रही है बुलेट, ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलेट बनते जा रही है, ठीक है। चलिए अब हम नंबर लिस्ट में एक बार करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर लिस्ट आते जा रही है। यानी कोई सी लाइन लिखते हैं तो यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे साइड में कि बुलेट लिस्ट आ रही है। एक नंबर लिस्ट में सिलेक्ट किया हो तो नंबर लिस्ट आ रही है। चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करने। कुछ आपने फॉर्मेट आपको क्लियर करनी है तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाए और क्लियर फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करें सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो गई। यानी कि जो भी हमने यहाँ पे इफेक्ट वगैरह लगाया है सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इसे पब्लिश किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आए, लेबल आपको कुछ करना है। जैसे आपने बहुत सारे पेज अपने ब्लॉग पे बना रखा है तो आप इसे लेबल कर सकते हैं, जैसे किस टाइप की पेज है इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे पब्लिशिंग डेट, इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 19 जनवरी 2022, ठीक, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और टाइमिंग भी आप चाहे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चलिए मैंने टाइमिंग और ये डेट दोनों चेंज कर लिया। अब चलिए यहाँ पर यहाँ पे है पैरालिंक, तो पैरालिंक ऑटोमेटिक यहाँ पे पैरालिंक आ गई है, लेकिन आप चाहे तो इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ करके और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ हाय, ठीक। आप जो भी जिस टाइप की पेज है यहाँ पे, जैसे डेमो है तो यहाँ पे मैं डेमो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, डेमो एंड देन इसे डॉट html रहने दें, ठीक। यहाँ पर चाहे तो आप लोकेशन भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लोकेशन नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। इसे क्लोज करते हैं। और भी ऑप्शंस यहाँ पे है लाइक रीडर कमेंट यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पे डोंट अलाउ कर देते हैं, या फिर हाइड टेक्स्टिंग यहाँ पे भी ये भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग को लिख सकते हैं। चलिए मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था आपको कि फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने नहीं बताया था किस तरह से सेलेक्ट करते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि फ़ॉन्ट टाइप यानी फ़ॉन्ट स्टाइल इसकी चेंज करने की। तो सिंपली ए वाली जो आइकन है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर जैसे ट्रूबू चेट यहाँ पे है इसे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ फॉन्ट स्टाइल इसकी चेंज हो गई है। चलिए मैं यहाँ पे इसकी मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। इसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं कुरियर इस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पे इसके फॉन्ट स्टाइल जो है चेंज हो गई। तो इसी तरह से आप चाहे तो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारी अब ब्लॉग जो है रेडी हो गई है पब्लिश करने के लिए। सिंपली आपको यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करनी है, ठीक। यहाँ पर कन्फर्म करें यहाँ पर और ये आपकी जो ब्लॉग है यहाँ पे पोस्ट हो गई है। आप चाहे तो इसे सर्च भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाना है आपको व्यू करने के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपकी ब्लॉग जो बन के है रेडी हो गई है। तो काफ़ी सिंपल है, आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ब्लॉग लिखते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।